Today I am here to talk about the reason of getting divorced with Aishwarya. कितनी अजीब बात है कि मुझे ही इस वक्त अपने आप को एक्सप्रेस करने में इस बात पर मैं शर्मिंदा हूँ। अभिषेक और निमरित ट्रोलिंग के बाद बुरी तरह से टूट गए, जिसके बाद इन्होंने रिएक्शन भी दिया है। दरअसल बता दें कि इन दोनों की ट्रोलिंग इस वजह से हो रही है क्योंकि कई जगह पर दावा किया जा रहा है कि अभिषेक निमरित कौर को डेट करने लग गए थे, उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने लग गए थे। जी हाँ, ऐश्वर्या को छोड़ अभिषेक ने निमरित के साथ में दिल लगा लिया था। आपको बता दें कि पिछले दिनों ऐसी खबरें आई कि ऐश्वर्या को छोड़ करके अभिषेक ने निमरित कौर से दिल लगा लिया और उनके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने लग गए थे, जब वो फिल्म दसवीं की शूटिंग कर रहे थे। अब ऐसे में दसवीं की शूटिंग के दौरान उन्होंने जैसे ही निमरित कौर को देखा, उनका दिल धड़क गया और उन्होंने निमरित कौर को डेट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब इसके बारे में ऐश्वर्या को पता लगा तो ऐश्वर्या काफी ज्यादा दुखी हो गई और अपसेट हो गई। उसके बाद उन्होंने अभिषेक को छोड़ने का मन बना लिया। हालांकि अभिषेक ने भी निमरित कौर से ब्रेकअप कर लिया और दोनों अलग हो गए। लेकिन उसके बाद से अब जब ये खबर सामने आई है, उसके बाद दोनों की ही कर ट्रोलिंग हो रही है और ऐसे में ट्रोलिंग होते हुए देख निमरित कौर तो बुरी तरह से अपना पक्ष रखती हुई नजर आई और तो और उन्होंने ऐश्वर्या को एक बुरी पत्नी तक करार दे दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या एक बुरी पत्नी है, बेकार पत्नी है और वो कभी भी एक अच्छी पत्नी वाइफ नहीं बन सकती है। बता दें कि उनका इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और अब तो निमरित और अभिषेक दोनों को ही ऐश्वर्या के फैंस जमकर ट्रोल कर रहे हैं। पल देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में इन तमाम खबरों पर और क्या कुछ नया अपडेट निकल कर सामने आता है। तब तक आप बताइए कि निमरित अभिषेक ऐश्वर्या में से किसे आप गलत और सही मानते हैं।